नमस्कार, मैं हूं नीरज उपाध्याय, आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभाव में। पेश है आज की खास खबर। यूपी के जनपद अमेठी में दबंगों के हौसले बुलंद। जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर में घुसकर जमकर पीटा, जिसमें कई लोग घायल हुए। अभी तक पुलिस ने दर्ज नहीं किया मुकदमा। जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ौली गांव का मामला। श्री साहब प्रसाद मौर्य, गणाम बढ़ौली, पोस्ट सरेसर, जिला अमेठी। सर, 7 तारीख को शाम को मेरी माँ को मारा था, फिर मैंने 8 तारीख को तहरीर यहाँ पे दर्ज करा दी है, और वही रिसीविंग जो है हम लेने थाने आए थे। थाने से लौट करके गए, खाना वाना नहीं खाए थे, उसी जगह एक झोपड़ी रखी हुई है, उसमें मेरी माँ चाय बना रही थी, वहीं बैठ गए। बैठने के बाद जो हमारे विपक्ष दबंग लोग हैं, उन्होंने कहा कि 100 काम में चलान होगा और कुछ नहीं होगा, ये तुम करके आए हो जो। इसी बात पे हमने कहा मेरे पास कागज़ है, कहीं कागज़ कुछ नहीं है, अभी हम तुम्हारा कागज़ सही करते हैं। उसी मैं कुर्सी बैठा तो बैठे बैठे मेरे सर पे मार शुरू हो गई, सर ही पे मारना शुरू किया, तो मेरी माँ निकली बचाने के लिए, मेरी माँ को भी मारा। मेरी बहन छोटी जो है आई थी माँ को चोट लगी देखने के लिए, उसको भी मारा। कब की घटना है ये? ये घटना कल की है सर। तो अभी आप थाने आए हैं, क्या करने आए हैं? कल हमको बहुत चोट लग गया था, हमको होश नहीं था, मेरी माँ को होश नहीं था, तो एम्बुलेंस हमको लेके गई जगदीशपुर CHC। वहाँ पे जो भी इलाज हुआ होगा, हमें होश नहीं था, तो हमें अंगूठा में से लगवा लिया गया वहाँ, पता नहीं कहे। तो आपकी थाने में FIR दर्ज हुई कि नहीं? थाने में अभी नहीं हुआ सर, हमको गौरीगंज भेज दिया गया, तो वहाँ गए, वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कहा FIR दर्ज नहीं है तो नहीं होगा। तो फिर वहाँ से हम फिर बोलेरो करके प्राइवेट थाना जगदीशपुर में बैठे हुए हैं। कितने लोग थे आप?